हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज पूल। अमे नॉलेज पूल रे लुसेंस र ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज र एमसीक्यू पोर्शन गुड़ा का डिस्कशन करू चंदी। अमे ए जो एमसीक्यू पोर्शन रे फर्स्ट सेक्शन रे ऑलरेडी कंप्लीट कर दे चंदी 10टा वीडियो नहीं की कंप्यूटर सेक्शन टा तार प्लेलिस्ट रे अमरो रही जाई छी, देखि देबे जाई की से प्लेलिस्ट टा। एंड एटर भी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाइए पॉलिटी रे सेकेंड फेज पॉलिटी स्टार्ट कर जोटर कि आम 12th नंबर चैप्टर आस पहुंची गले एंड से भी आम डिस्कस करेंगे आगुरा सब आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी आपको मिल जाव लिंक अदरवाइज चैनल को भी जाइए देखिपारे ता न कले भी लास्ट आपण मानक प्लेलिस्ट टा भी शो कर सो केमती भी करके देखने भी एंड प्लीज वीडियो को कंप्लीटली देखिबे सो दैट माने ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट लुसेंट रो तो केते इंपोर्टेंट कौन आपण माने जो माने एग्जाम्स दौथिबे से माने समस्त जानथिबे कहाँ को भी कौनसी हमर ऑब्जेक्टिव किनिया दरकार नहीं बिकॉज मु सब कंप्लीट करी फर्स्ट सेक्शन हम कंप्यूटर नहीं छी वर्तमान पॉलिटी सेक्शन टा चल छी नेक्स्ट नेक्स्ट करके सब सब्जेक्ट को हमें कंप्लीट कर दबा तो आपको रिपीटेडली देखले एग्जाम्स रे 99% ए क्वेश्चन से बुक रो आछे सो एटा को केयरफुली सब कवर कर देले बेटर हबो तो बेसी किछ देरी न करके हमें जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया टा स्टार्ट करबा एटा कि 12th नंबर चैप्टर टा करबा पूर्वरु एमसीक्यू पूर्वरु मु जेमती कि सबुतरे हल्का फुल्का किछ बुझै देबा को चेष्टा करे सो दैट गुटे क्विक रिविजन हि जबो प्लस एमसीक्यूज करिया पे भी इजी हबो सो लेट्स गेट स्टार्टेड द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया सिकिए सी होजंदी हमर फर्स्ट लॉ ऑफिसर ओके ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु गिव्स एडवाइस टू एडवाइस इन को मैटर लीगल मैटर एंड परफॉर्मेंस other duties of a legal character as assigned to him by the president okay president ko dwara assigned dang karai the ta mane kon si hochundi amaro first law officer je ki legal advice diye amaro government ko okay government of india ko bas tanko kaam hochi seta the attorney general of india is appointed by president president ta ko appoint karanti and holds office during the pleasure of the president okay he must have the same qualification as the requirement of the judge of the supreme court or judge kor jemti qualification rahe darkar tankar bhi equally say hi qualification rahe now he discharges the functions conferred on him by the constitution or any other law the attorney general of india for india is not a member for the cabinet see cabinet re member nuhanti but he has the right to speak in the house of the parliament or in any committee there but he has no right to vote se kahi paribe sab kichu kar paribe kintu vote kari paribe nahi okay se kai na member nuhanti cabinet ro he is entitled to the privileges of a member of parliament मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेमती प्रिविलेजेस मिले तांको भी सेम इक्वल से ही मिलिबो सेटा आर्टिकल नंबर 105 क्लॉज 4 रे छे ए आर्टिकल गुडा भी मन रखिबे ओके तापरे इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही इज नॉट ए होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट नॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट से गवर्नमेंट सर्वेंट नुहंती कि ही इज नॉट ए होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट हैला गवर्नमेंट को होल टाइम से काउंसिल करिवे नहीं तापर देजी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल माने सीएजी हमें जब कहती सीएजी कंट्रोल्स एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम हैला हमारा आर्टिकल नंबर के 148 तापर ता पूर्व हम देखले कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल रो सी तांगरो आर्टिकल नंबर कोन ही डिस्चार्जेस द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ तांगरो आर्टिकल नंबर होची 76 हला तापर देखो ठीक अछि तापर हमरा कोन अछि दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सीएजी अपॉइंट प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट होती बट रिमूव कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट हम तांकु रिमूव प्रेसिडेंट करंतनी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को द्वारा एड्रेस कराई कि ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जदि हेतिबो किछि ताहले से बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू रु से
एड्रेस से तांको से से ही रिमूव करिवे नाउ हिज सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट सेटा को लेड डाउन करिवो एंड कैन नॉट द बी वैरीड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ऑफ द कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज 6 ईयर हला तांका टर्म होची 6 वर्ष सीएजी वैकेट्स office on attains the age of 65 and 65 years even without completing a 6 year term man tanku jure first asibo jodi 65 year first asila se 65 year re retired hei jibe 6 barsha na complete to kintu jette bi kam age hele bi join karchun then 6 barsha complete hela man se tanku office ta vacant koribo padibo he can resign by writing under his hands addressed to the president of india he can be removed by impeachment dwara bhi se remove hei paribe e article uda man rakhibe his salary is equal to that of the judge of the supreme court ko judge ko salary jaha cag ko bhi seya other condition of his services are similar to an ias of the rank of secretary to the government of india okay ta par deji he is disqualified for any further government office after retirement tapre the salaries of the CAG and his staff and the administrative expenses of his office are charged upon the consolidated fund ru tanku euro sabu tankar charges mile of india and thus no non votable the main condition duties of the CAG basically कौन दीचे एक्चुअली हाँ द मेन ड्यूटी कौन सी है जीरो से कौन द ऑडिट टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड रो जहाँ भी एक्सपेंडिचर है ला सेटल को से कौन करेगा ऑडिट करेगा और रिपोर्ट करेगा एंड ऑफ ईच स्टेट ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली एज टू वेयर सच एक्सपेंडिचर्स हैज बीन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ओके समस्तंकर एगुडा सब से कैलकुलेट करिवे एक्सपेंडिचर को से सब एगुडा सब देखिवे टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट हला तमने कोन ऑडिट और रिपोर्ट भी करिवे कंटिंजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिंजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड रो एक्चुअली मीनिंग ता कोन गवर्नमेंट कोन करिवो अमर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली जोटा अमर खर्च होइतिबो जिमती कि अमर कोन गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट रेवेन्यू हला तार एक्सपेंसेस हला एगुडा सब से देखिबो त कंटिंजेंसी फंड माने कोन जोटा कि एक्सपेंसेस हुए हला इमरजेंसी केस रे जो फंड टा एक्सपेंडिचर हवा पई रखाइ दे सेटर कोनोसी से कोन कहार अप्रूवल पई से टाइम रे किछि वेट करा जे माने कोठी गोटा किछि गोटा आपदा आसी गला लाइक भूमिकंप हे गला कि कोठी कोन नेचुरल डिजास्टर से गला सेठी कोन इमरजेंसी फंड दरकार सेटा होची कंटिंजेंसी फंड सेटु जते बेले जो भी जिंसटा जिबो ना सेटा कहार अप्रूवल इंस्टेंट दरकार पडे किंतु कंसोलिडेटेड फंड रो केस टा डिफरेंट सेठी किंतु तमको कोन करे अप्रूवल रो रिक्वायरमेंट अछि ओके बुझियला कंटिंजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड डिफरेंस नाउ ये कौन करे डेटा को ऑडिट करे एंड देन टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग कौन लॉस अकाउंट्स एक्सेप्ट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट टू सी दैट रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर an effective check on the assignment collection and proper allocation of revenue okay lero sab dekha jibo ki properly se sab invest ho na ki kon lagu chi kon to audit and report on the receipt and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from the union or state revenues government companies and other corporations or bodies if so required by the laws related to such corporation or bodies एटा होचे हमरा सीएजी को विषय रे चलो आम इंस्टेंटली स्विच कर दबा हमरा क्वेश्चन है ना मतलब होप की बुझाई पड़ीथिबो नाउ द कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द कहा पाई से यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ पाई तापरे व्हाट इज पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल केते पीरियड सेटा 6 ईयर और 65 ऑफ एज व्हिचएवर इज अर्लियर ओके
तापरे हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट किए कैबिनेट सेक्रेटरी। तापरे देशी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय अटॉर्नी जनरल, कहा द्वारा अपॉइंट होती सी होचंदी प्रेसिडेंट इन इंडिया। देखिए द कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड ए डिटेल एनालिटिकल रिव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अकाउंट्स टू द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एवरी एवरी कते एवरी ईयर। ओके तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन कौन करी परिबे सी टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। या डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल को भी रिव्यू दरकार मत दरकार। बी ए मेंबर ऑफ ए कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ना ना सी मेंबर ऑफ माने कमिटी रा मेंबर नु होंती। तापरे स्पीक इन द लोकसभा, यस डेफिनेटली से स्पीक मन कहि परिबे। वोट इन द लोकसभा, नो से वोट दे परिबे नै। तो हमर आंसर हे जेबो 1 एंड 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन देजी ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यस ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड बाय ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस डेफिनेटली। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। एटा होचे 1, 2, and 3 सब तीन टा जाको ठीक अछि। नाउ हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर रे की करनते एडवाइस दियंती, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल अमर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय कहा द्वारा, अमर प्रेसिडेंट को द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किए से होचंदी अटॉर्नी जनरल। नाउ 11th नंबर क्वेश्चन को देखिबा, 11th नंबर रे कोन दिजे, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होचंदी अटॉर्नी जनरल। तापरे हु इज नोन एज अ सेकंड लॉ ऑफिसर, सेकंड लॉ ऑफिसर हमर होचंती सॉलिसिटर जनरल। ओके तापरे द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड, से अपॉइंट होंती प्रेसिडेंट को द्वारा, बट हमर से रिमूव होंती बाय द हमर की, ओके से रिमूव होंती बाय द प्रेसिडेंट। एक्चुअली देखिया वाले से जदी किछ ओटे मिसबिहेवियर केस रे हेतिबो देन से बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रा एड्रेस अब द्वारा से तांको इम्पीच करा जाए, अदरवाइज से दियंती रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तापर देजे द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू कहार, लीगल एडवाइजर से होचंती हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा एडवाइजर। ओके तापर देजे हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन, सीएजी। सीएजी ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ कहार, पब्लिक अकाउंट कमिटी रो। तापर देजी ओके 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, से होचंती हमर अटॉर्नी जनरल। तापर देजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, से होचंती हमर किए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तापर देजी ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस दैट इज ऑफ दैट ठीक। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ नाइन, ही मेंबर ऑफ माने हाउस ऑफ पार्लियामेंट से मेंबर नहीं होती, ही कैन रिमूव बाय इम्पीचमेंट, कि कहा भी सर हम बता अटॉर्नी जनरल नाइन से हो जंदे, हमारा आंसर विल बी 1 and 2। ओके तापर देजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीके टू कंट्रोल द रिसीप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज इन द एक्सचेकर। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी जनरल कौन देजी ऑफ इंडिया, सीएजी जनरल ऑफ इंडिया माने कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय हेटा होचंदी कोन पब्लिक अकाउंट कमिटी। एटा हमरो हेगला ना वर्तमान कंप्लीट हेगला अटॉर्नी जनरल, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल एरो सब कंप्लीट हेगला ए चैप्टर टा। नेक्स्ट टाइम में पढ़ीबा द यूनियन लेजिस्लेचर, ता नेक्स्ट इयर काली ही पढ़ी दबा। तो ता अगर होप ए वीडियो टा भलो है लागी थी बुझी ही थी बहुत इजी अच्छी, बहुत कम क्वेश्चन थी
ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଇଏ ତ ଏଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖିବେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଫ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇନ୍ ମାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ୟା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ରେକ୍ଟିଫାଇ ମି ଇନ୍ ମାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଅଲସୋ କମେଣ୍ଟ ମି ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ ମାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଓପେନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରିଲି ଏତେ ଭଲ ବୁକ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପରଚେସ୍, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲୁସେଣ୍ଟର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଭିନ୍ ଆଗକୁ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ହିଁ ଦେବି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଗିଭ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।